बस्तर पुलिस ने फरार एक गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता पाई है। जहां पुलिस ने मजगांव के गांजा तस्करी मामले में फरार तस्कर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर के बगावन चौकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सवा साल पहले मजगांव में अवैध गांजा तस्करी पर रेड करवाई थी। इस दौरान एक गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में पहचान छिपाकर रह रहा था। सूचना पर बस्तर पुलिस की गठित टीम विदिशा पहुंचकर फरार आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी तस्कर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाकर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। मामला चौकी बकावन क्षेत्र का है, जहां गांजा तस्करी कर 15 माह से फरार गांजा तस्कर पर कार्रवाई करने में बकावंड पुलिस को सफलता मिली है। जून 2021 के दौरान चौकी बकावंड के द्वारा गांजा तस्करी की सूचना पर जो है ग्राम मजगांव में गांजा रेड की कार्रवाई किया गया, और इस रेड कार्रवाई के दौरान एक बोलेरो से 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था, जिसमें मामले का आरोपी हाकम सिंह निवासी विदिशा की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में घटनास्थल से एक अन्य अभियुक्त रोहित चौबे फरार हो गया था, और चूंकि घटना में चौकी बकावंड में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था, और मामले में गिरफ्तार शुदा आरोपी हाकम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दूसरा आरोपी रोहित चौबे फरार था, जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा था। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले का जो आरोपी है रोहित चौबे और विदिशा मध्य प्रदेश में उपस्थित है। सूचना पर उप निरीक्षक कुमन लाल गढ़सेना के नेतृत्व में टीम गठित कर मध्य प्रदेश की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा विदिशा में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जिसने अपना नाम रोहित चौबे उर्फ चौबे लंगड़ा निवासी विदिशा मध्य प्रदेश का होना बताया गया, जिससे पूछताछ करने पर इसने जो है बताया कि 2 जून 2021 को यह जो है आरोपी हाकम सिंह के साथ गांजा तस्करी के लिए जो है उड़ीसा आया था, और इस दौरान जो है चौकी बकावंड के द्वारा जो है रेड कार्रवाई के दौरान यह जो है मौके से फरार हो गया था, और फरार होकर यह मध्य प्रदेश में जो है लुक छिप कर रह रहा था। मामले में आरोपी के द्वारा जो है अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है, जिसे चौकी बकावंड के द्वारा गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।